बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब सात दीप नौखंड में सदगुरु फेंकी डोर, तापर हंसा ना चढ़े सदगुरु क्या क्या दोष। ये कैसी डोर है? धर्मदास जी साहब से एक विनती कर रहे हैं, अमर लोक के हो गुरुवासी, कारण कौन आए अविनाशी। देखिए यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं कुछ चीजों की, समझना तो होगा। लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं, मृत लोग आए कह काजा, धर्मराय पापी बड़ राजा। आप मृत्यु लोक में क्यों आए? धर्मदास तुम सुनो भाई, जीवन काज पुरुष पठाई, आत्माओं के कल्याण के लिए मैं संसार में आया हूं। सत्पुरुष सतलोक के वासी, सकल अंश के लिए अविनाश, वो सभी का अधिष्ठ है। पुरुष दरस कोई बहुर न पावे, तीन लोक में आन समाये रहा। कह रहे हैं जब से आत्मा उससे बिछड़ी है, अपने मूल से वापस नहीं गई। आप आज या कल के यहां नहीं हो, बहुत लंबा समय हुआ, कोटिन पड़ रहे हो गई। तीन लोग सब पढ़ रहे हुई, अमर लोक सुखदायक सोई। जीव काल जग में हम आए, काल पुरुष से जीव छुड़ाए। आदि अनाम अमोल अपारा, अकह अगोचर सबसे नारा। अकह अगोचर संज्ञाएं बड़ी सुंदर दी गई है। तहां से हम आए संसारा, पहुंचे काशी नगर मझारा। बड़ा क्लियर कह रहे हैं यहां साहब, सत्य सत्य हम करें पुकारा, भवसागर से जीव उबारा। नाम सने जो मम लगाए, जिनको हमने पार लगाए। समझे सुने जो भाषा मेरी, काटूं ताप की कर्म की बेड़ी। बड़ी पुष्टि कर रहे हैं, बहुत सुंदर। भक्की राह नहीं हम आए, बड़ा साफ है यहां। मैंने ये प्रमाण बहुत बार देने का प्रयास किया है। एक ऐसी शख्सियत थे साहब, भक्ति राह नहीं हम आए, जन्म मरण में ना समाए, त्रिगुण पांच तत्व तो हम नहीं, इच्छा रूप देह हम आए। यही बात इंद्रमती को भी गई, यहां भी यही उल्लेख आ रहा है, और ये जाते जाते वो प्रमाणित भी करके गए। आप विचार करके देखें, पांच तत्व गुण तीन नहीं, तामे सकल शरीर, सबको हृदय चीने और सदगुरु पुरुष कबीर। अब यहां क्या करे, हरेक कोई चीनने का मतलब पहचानो, सबके अंदर कबीर समाया, सब में रहा कबीर समाई। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रहा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। जो साहेब सतलोक रहा है तिनको सब कोई चीनो भाई। आगे क्या करें, नाम बिना दुखी तीनों देवा, जिनकी गण गंधर्व कर सेवा। जग के देव सब काल अधीना, बचे सोई जो नाम को चीना। आप देखें ऋग्वेद में भी उल्लेख है, महाप्रलय के समय सभी चीजें लय हो जाती है, 33 कोटि देवता भी लय हो जाते हैं। इसका मतलब क्या, वो विरोध कर रहे हैं, एक शिष्ट भाषा में बोल रहे हैं। हम बल एक नाम शब्द का भाई, ताही बल हंसा मुक्ताई। कह रहे हैं मेरे पास एक बल है नाम का, उसकी ताकत से मैं हंसों को मुक्त करता हूं।
ज्ञानहीन जाने नहीं भाई जीव के संग मन काल राय। कितना क्लियर बात ये बोल रहे, ज्ञानहीन नर जाने नहीं जीव के संग मन काल राय। कितनी जगहों पर मन को ही साहब ने काल कहा, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। ज्ञानहीन जाने नहीं भाई जीव के संग मन काल रहाई। कह रहे जीव के संग मन रूपी काल है, मन का कहा न कीजिए कोई। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी जन गहे विश्वासा। आप देखें, मैंने ये एग्जांपल भी कई बार दिया है, छोटे से स्मार्टफोन में देखिए कितनी चीजें हैं। इस तरह इसमें कपाट में पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा। इसकी पुष्टि तो ऋग्वेद भी कह रहा है, या पिंडे स ब्रह्मांडे। मन का कहा जो करें भाई, भवसागर में दे भाई। मन चंचल सुकाल है भाई, मन चंचल सुकाल है भाई। मन को त्यागे निर्मल हो जाए, पर ऐसे समय हुआ है जैसे लोहा और सोना दोनों का आटा बना दो हो जाता है। कोई भी कोई ऐसा सूत्र है क्या इसको अलग करें? अगर कोई मैनुअल अलग करना चाहे कई जन्म में नहीं कर सकेगा, लेकिन एक विधि है, चकमक पत्थर लाना, रखना, जितने भी लोहे के कण सब उसमें आकर्षित है। क्या बात है, लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे लेट उठा है, ऐसा शब्द कबीर का काल से दे छुड़ा है। मन चंचल सो काल है भाई, मन को त्यागे निर्मल हो जाइए। बस ये आपकी सुर्ति में इसने अच्छा दन किया है, इसलिए आदमी अपने को भी नहीं समझ पा रहा है, मन को भी नहीं। हर एक आदमी ये सोच रहा है मैं यही आत्मा है। ना ना ना, ये आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि जो मनुष्य की कर्म और क्रिया कलाप है कहीं से भी आत्मा से मेल नहीं खाते हैं। मन के रूप समानी माया, सब संसार व्याप्त रहे छाया। मन माया तो एक है, माया मन है मिला है। मन थिर कर परमात्म जाना, यह विद तत्व लेह पहचाना। ये सम्यक एक तथ्य है, दुनिया के जितने भी मत पतांतर है सब तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्यक्त अव्यक्त में ध्यान ही तो एकाग्र कर रहे हैं भाइयों। यहां साहब इसको सहज वाणी में क्या कह रहे हैं, सूरत से देख सखी वह देश। सूरत से देख सखी वह देश, यही भेद धर्म सुन लीजिए, नाम मां है तुम बादशाह कीजिए। और दूसरे शब्दों में कैसा कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछु चितवे नाम बिन वही काल की फांस। यही भेद धर्म सुन लीजिए, नाम माह तुम बासा कीजिए।
चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। काल जा ज्ञान संसार बखाना, काल स्वरूप नहीं पहचाना, तो सभी तो गण गंधर्व ऋषि मुनि आदि सभी तो वहीं पहुंच रहे ना। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर हैं काल की सेवा। काल ज्ञान संसार बखाना, काल चरित्र कोई नहीं जाना, कहते हैं ऐसे ही मन माया में बंद है, लेकिन बारीकी में कोई उतर ही नहीं रहा है। काल चरित्र तुमसे कह भाई, यही भेद कोई ना ही पाई। अक्सर मैं एक बात उठाता हूं, कोई भी मन पर प्रीचर बात ही नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा साहब, खुला खुला कह रहे हैं यही आपका बैरी मन के अलावा कोई है ही नहीं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। काया माया झूठी जानो, झूठा सकल पसारा जानो। अब यहां कह रहे हैं काया माया झूठी, सकल पसारा झूठा। झूठा नाम साहेब को नहीं बूझ ले अपने ही हमारे, वो एक एलिमेंट है नाम। वाह, आजकल घड़ियां भी ऐसे निकली है, आप घड़ी से भी बात कर सकते हो, वो कनेक्ट है। इस तरह नाम जब प्राप्त हो जाता है एक दिव्य ताकत से, ये जीवात्मा कनेक्ट हो जाती है। चकमक पथरी रहते एक संग, उठत नहीं चिंगारी। बस ये सूरत का पूरा खेल है, सूरत नहीं जाए इधर उधर। धर्मदास लेवजान सुन्न स्वरूपी मन है, कबीर वचन प्रमाण रूप रेख नहीं मन को। निराकार मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही अकर्ता, निराकार मन ही को जानो। अंधेरे में बैठा हुआ आदमी जब दिखता नहीं है, बात करने से पता चलता है कोई है। अगर मन दिखता, रहस्य खत्म था, पूरा रहस्य वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए वो तरंगों से क्यों रहस्य खत्म हो जाना था, आदमी जानना था अंदर बैठकर कोई कुछ कह रहा है। अब कला क्या है, कला बड़ी विकट है, कला बड़ी निराली है। वो तरंगे आती है, मस्तिष्क इसको वहन करता है और आदमी सोचता है मैं दिमाग हूं, और वो काम करने लगता। वो सभी वही काम कर रहा है जो मन संदेश देता है। जागत सोवत, जागत सोवत धर धर मारे, जागते सोते ये धर धर मार रहा है। आदि नाम है जीव रखवाला, ये आदि नाम क्या? साहब ने एक जगह कहा तो ठेलुआ लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। सार शब्द सत्पुरुष ही जानो, सार शब्द सत्पुरुष का आया। तो जब वो नाम प्रकट हो जाता है उसके बाद फिर मन का जोर नहीं चले, जहां नाम तहकालगत नहीं। जहां नाम वहां काल की गत नहीं है, बिना नाम सब काल की छाई।
मैंने नानक देव जी के शब्दों का भी उल्लेख किया, कृप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, जैसे मंदिर दीप बिन सोना तस प्राणी सतनाम बिना। वो नाम अगर एक हीरे को आप कीचड़ में फेंक देंगे ना, उसका प्रकाश कीचड़ के आवरण में ढक जाता है, प्रकाश खत्म नहीं होता। आप कीचड़ से बाहर निकालो, प्रकाश तो स्वच्छ था, बस आत्मा को मन और माया ने अच्छा दन किया है, उसका एक इंच भी कोई खत्म नहीं कर सकता। ये तो शास्त्रों में और श्रीमद् गीता में भी है, आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती, जो भी न्यूनाधिक होगा वो नष्ट हो जाएगा। आदि पुरुष कह रहे अमर लोक साहेब का न्यारा, जहां पुरुष का है दरबार। हजारों जगह साहेब ने अपनी वाणी में उस देश का वर्णन किया है, चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसार, आओ यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। आज पुरुष जहां आप अकेला, धर्मराय नहीं मन को मेला, वहां मन नहीं है। अंधकार जहां कभी न होई, सदा ज्योति अमर पुरुष होई, सदा आनंद होते है वहां घर, कभी न हो तो दासा। साहब ने गुरु पर बहुत शब्द बोले, नाम पर बहुत शब्द बोले, मन के अंग पर बहुत कुछ बोला, उस अमर लोक पर बहुत वाणियां बोली, आत्मा पर बहुत शब्द बोले है। चार माह जिम बरसे मेहा, मेह बरसात को कहते हैं। एतत शब्द कथो विद्या, 4 महीने लगातार जितनी बूंदे गिरे, इतने शब्द मैंने विधेय बोले। आदि पुरुष जहां काल न जाई, 3 देव की कौन चलाई, बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेखे माई। जहां बड़े बड़े हाथी बह जाते, साहब क्या कह रहे, वहां निरंजन भी नहीं जा सकता है। आदि नाम जो ध्यान लगाए, तब हंसा सतलोक है भाई। स्वाभाविक है, मां के रज पिता के बीज से बालक गर्भ में स्थापित हुआ और मां ने पोषित किया, ऑटोमेटिक पोषित हो रहा है। इस तरह गोस्वामी जी ने रामायण में भी तो इसकी पुष्टि की ना, भोजन खाने के बाद बाकी प्रक्रिया स्वयं ही जठर करता है। नाम पर भी गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से ये बात बोली है, वो नाम बस सभी चीजें खुद करता जाएगा। ऐसा लोक साहेब का भाई, जय हंसा सुख सदा रहा। ऐसा लोक है साहेब का, तहमा कहूं जहां कभी अंधकार नहीं होता, परमानंद है। वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, तू नहीं है, मैं नहीं हूं, यक रूप सभी है, न खुदावंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक कहीं काल का फंदा। ताहे लोक से में जो जीव जाए, भव सागर में बहुर न आवे, पुनर्जन्म न विद्यते। बाकी तो सब जगह के लिए पुनर्जन्म की व्याख्या है, वेदों में भी है। स्वर्ग आदि लोकों में तो कर्म क्षीण होने के बाद में मृत्यु लोक पर आता है, देवादि लोकों से भी, पितरादि लोकों से भी पुनर्जन्म है, ब्रह्मादि लोकों में पहुंचता है उसका भी पुनर्जन्म है, शून्य में जाकर निराकार में समाता है उसका भी पुनर्जन्म है। तह के गए बहुर ना आवे, ऐसा देश देखा, कितनी बड़ी बात है। एवर लास्टिंग, फॉर एवर,
धर्मराज से तिनका टूटे, जन्म मरण को संशय छूटे, बिरला जीव निसंशय होई, दृढ़ प्रतीत नाम गैस हुई। बिरला बोल रहे, मैं देखता हूँ कभी कभी लोग आ रहे हैं, इस समय दो समस्याएं बहुत हो गई है। मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे जितने भी शोध हैं, रिसर्च चल रहा है, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लोग इतना जूझ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। आवश्यकताएं बढ़ गई है, पहले आवश्यकताएं सीमित थी, अब आदमी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहा है। दूसरा, बीमारियां, इतनी बीमारियां हैं, बहुत बीमारियां हैं, खान पान बदल गया। मैं लोगों से कहता हूं, बच्चों को आइसक्रीम मत खिलाओ, बच्चों को आइसक्रीम मत खिलाओ, बच्चों को चॉकलेट मत खिलाओ, बच्चों को बिस्किट मत खिलाओ, ऐसी चीजें नहीं खिलाओ। आप विचार करें ना, क्रीम की क्या लाइफ है, वो सिर्फ फ्लेवर है, बाकी सब वो दूषित चीजें उसमें कंटेन है। पहले ये सब चीज नहीं थी, बच्चे तंदुरुस्त थे, खेलते कूदते थे, अब आप देखो कितने रोग हो गए। एक तो ये समस्या दुनिया में बढ़ गई, दूसरा फाइनेंशियल, और पति पत्नी का आजकल नहीं बनता है कुछ ऐसी समस्या, और जमीन की समस्या है, दुखी है। यह संसार झाड़ और झंखड़, यह संसार झाड़ और झंखड़, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश में रहना है। अगम भेद में तुम्हें बताया, काल निरंजन गंभ न पाया, नाम जान से चतुर से आना, नाम भजे सो चतुर से आना। धर्मदास विनमय कर जो भी जोड़ी, अब क्या साहब क्या कह रहे हैं, मतलब धर्मदास जी क्या कह रहे हैं, हे सदगुरु, दुनिया तो सरगुण निर्गुण में उलझी है, इसको कोई पकड़ेगा नहीं। अज्ञानी जीव कहा न माने, आज नाम का भेद न जाने, यह सब भेद कहो समझाए, कैसे जीव प्रमोद हो जाए। अपनी अक्षमता का साहब उल्लेख कर बोला, ये काम नहीं हो पाएगा। कहे कबीर, सुनो धर्मदास, अब मैं भेद कहूं तुम पासा, सज्जन जन जो होवे भाई, तुम्हारे शरण दौड़ के आई। अंकुरी जीव, अब कैसा अंकुरी जीव है, साहब कह रहे जो अंकुरी जीव है वो तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे, वो स्वत तुम्हारे पास आएंगे। अभी धर्मदास यहां अपेक्षा कर रहे हैं, क्या है साहब, ये जीव जो है दो प्रकार की आएंगे आत्मा, आप तो कह रहे हैं कि आत्मा है, आत्मवतम सर्वभूतेषु, यहां आप जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं। बोला, हे धर्मदास सुनो, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर, जो कई जन्मों से पुण्य करते करते, मनुष्य कई जन्म पुण्य करता है और पुण्य के प्रताप से मानव चोला मिलता जाता है, वो आदमी स्वयं आएगा, तुम चिंता मत करो। अंकुरी जीव दौड़कर आई और वो पकड़ेंगे। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझा, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझा, मैं खींचू सतलोक को, ये बांधापुर जमपुर। अब धर्मदास जी कह रहे हैं, साहेब जी ये काल का जीव कौन है और अंकुरी जीव कौन है, आत्मा तो एक ही है ना, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर, कई जन्मों से जो पुण्य करता आ रहा है, सत्कर्म करता रहा, उनके बल से फिर भी उत्तम बुद्धि को प्राप्त, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर, इंसान
लोग कह रहे हैं आदमी खाली आता है, मैं कह रहा हूं वो मुट्ठी बांध के आता है, साथ में कुछ लाता है और साथ में कुछ ले जाता है। पहले बनी प्रारब्ध, पाशे बनी शरीर, वो प्रारब्ध को पिछले कर्मों का पूरा पूरा लेखा जोखा लेके आया है। वो आदमी कहीं पोस्टिंग हो जाता है तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट नहीं ट्रांसफर करते हैं जहां पर उसकी पोस्टिंग हुई है, चैन बना हुआ है ना। इस तरह जन्म एक नहीं, अनेकों जन्म के कर्म इस जीव के साथ में हैं और कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। इसलिए नाम देने के बाद वो सब एंड हो जाता है। मुझे एक चीज याद आ गई, हमारे यहाँ एक पंडित जी था, बड़ा तेज था, बैंक से लोन लिया था। अब उसने पागल का रोल करना शुरू किया, कभी गाय और जानवरों की हड्डियां अपने साथ वो जोड़ना, कभी अपने को अनुसार करना, कभी बाल खुले रखना, ऐसा उसने लंबा टाइम ड्रामा किया जैसे फिल्म स्टार करते हैं, बहुरूपी करते हैं। अब जब डॉक्टरों ने भी सर्टिफिकेट दिया पागल है, बैंक वालों ने डिस्पोज कर दिया उसका लोन फाइल, बोला ये पागल हो चुका है। थोड़े दिन बाद फिर वो आम जिंदगी में आ गया। जब देखा लोन खत्म हो गया है तो पागल बनती छोड़, लोन फिर उस पर लागू कर दिया गया। इस तरह कर्म का लेखा खत्म नहीं होता, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। इसलिए वो साथ में कर्म लाया था, पर कर्म पर साहब एक बात कह रहे हैं, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए, तो दोनों को साहब निर्मल कर देता है। कर्म का चारे नाय चरी में साहब कह रहे हैं पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, ये बेड़िया है, एक लोहा एक कंचन के लिए। तो इस तरह बंधुओं, कर्म फांस में जगत फनाना, यही कर्म भूमि है यहाँ। इसलिए स्मरण के अलावा जो भी आपके अंदर आ रहा है सबकी मन की कल्पना है। काम काम सबको कहे काम न चीने कोई, जैती मन की कल्पना काम कहा विश्व। 24 घंटे इन्हीं कल्पनाओं में जीव सर्किल करता है, मन कंसंट्रेटली आपको एकाग्र नहीं होने देगा। मैं क्या बताऊं लोगों को, अक्सर एक बात कहता हूं, भाई तुम ध्यान में एक घंटा जरूर बैठना। तुम ध्यान में बैठकर कुंठित शास्त्रों को जो पढ़े हो उस तरफ नहीं, आप कहीं भी न तो प्रकाश में जाओ न तो आप दोनों में जाओ। साहब ने साफ नहीं कह दिया, आंख न मूंदे कान न रूंदे नहीं अनाथ रुल जाए, सो सदगुरु में भाई। आप उस समय सिर्फ एक चीज देखो, अगर आप एकाग्रता के लिए शब्द को पकड़े भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको सब कुछ नहीं मानना। जैसे आप जब एकाग्र हो जाएंगे मामला पूरा सेट हो जाएगा। बस यहां समस्या यही है, मरीज डॉक्टर के पास जाता है, अपने स्वास्थ्य के लिए बताता है अस्वस्थ हूं, तो डॉक्टर पहले रोग जानने की कोशिश तो करता है ना। रोग के जाने बिना उसका निदान नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि आपके ध्यान को ही, ध्यान में ही मन समाया हुआ है और ध्यान को इधर उधर घुमा रहा है। अंदर की दुनिया आपने ध्यान से देखनी है। स्थूल में भी अगर इस शरीर में सूंघने का अगर साधन है तो नासिका है, देखने का साधन है तो आंखें हैं, सुनने का साधन है तो कान हैं। इस तरह अंदर की दुनिया का देखने का साधन ही ध्यान है। बस सूरत संभाल लीजिए ना, आप चलते फिरते हमेशा संभालो ना, जब आपकी सूरत एकाग्र होगी एक आनंद की अनुभूति होगी, आप खुद ही वहाँ जाएंगे, फिर आप खुद ही वहाँ जाएंगे, फिर आप रह नहीं पाएंगे एकाग्रता के बिना। ऐसे ही कह रहे हैं साहब, क्या मन की तरंग मार दो, हो गया बस, हो गया भजन। इस तरह भाई जरूर बैठो, समय अपना बचाओ। आज के प्रवचन का सार यही है कि ये जीवात्मा
नाम की ताकत के बगैर कभी भी पार नहीं हो सकता। घृत भर मिले बारी के मत्ते सिकता से बलतेल, बिना भक्ति नहीं भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी कह रहे हैं एक ही उपाय है, बची हुआ एक उपाय सार नाम को पाए की। तो ये स्मरण भूलना नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।